हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं हमारा मोबाइल जो पूरी तरह से हैंग करने लगता है, जैसे कि हमारा मोबाइल थोड़ा पुराना हो जाता है तो हमारा मोबाइल बहुत हैंग करने लगता है। तो हमें मजबूरी में मोबाइल को बेचना पड़ता है या फिर नया लेना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा मोबाइल बहुत हैंग करने लगता है उसे हम पूरी तरह कैसे ठीक करें, जिससे हमारा मोबाइल जो पहले की तरह हो जाए। इतना नया तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो हैंग करने लगता है हमारा बैटर होते हैं वो सब काम नहीं करते, अचानक बंद हो जाता है। तो वही हम जानेंगे कि कैसे मोबाइल को पूरी तरह मैनेज कैसे करें, जिससे हमारे मोबाइल जो स्टोरेज होता है वो भरे ना, पूरी तरह फुल ना हो, जिससे हम अपने मोबाइल को अच्छी तरह चला सकें। तो हम यही जानने के लिए चलिए अपने मोबाइल को हम स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपने मोबाइल को मैनेज कैसे करें। दरअसल जब भी हम कोई वीडियो फोटोस डाउनलोड ज़्यादा हो जाते हैं, मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं, तो हमारे मोबाइल जो है बहुत हैंग करने लगता है, जिसका कारण यही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे स्टोरेज भी भरे ही ना और मोबाइल हैंग भी ना करें। तो यही सब हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मोबाइल को हम स्क्रीन चलते हैं और इसे जानते हैं। तो हम सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे देखा है ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे हम टच करेंगे। उसके बाद अगर हम जिस भी ऐप्स की स्टोरेज को बंद करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखिए जिससे हम इसे बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए परमिशन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो नोटिफिकेशन है सब ऑफ़ है। अगर आपका ऑन रहेगा, जैसे ए ऑन रहेगा तो आपको ऑफ़ कर देना है किसी भी ऐप में। देखिए जैसे कि यहाँ पे शेयर चैट है, यहाँ पे जैसे इसकी परमिशन जो ऑन रहती है तो उसे हमें ऑफ़ कर देना है। जैसे यहाँ पे ऑन रहेगी आपकी तो आपको ऑफ़ कर देना होगा, जिससे आपके मोबाइल का जो स्टोरेज है वो पूरी तरह भरे ना, आपका मोबाइल हैंग ना करे। तो फ्रेंड, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो